गुड मॉर्निंग एवरीवन, इस्टर रूप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो की सीरीज पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर। आज है 12 मार्च, आज हम देखेंगे 12 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो शुरू करने से बता दें, ये करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम जैसे SSC, रेलवे, UPSC, UPPSC, PCS के एग्जाम आपका 13 जून को है, ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। खासकर UPSI जिसका अगले महीने से 1 अप्रैल से फॉर्म भरा जाना है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और आपको बता दें, UPSI का टारगेटेड बैच हमारे चैनल पर शुरू हो चुका है 1 मार्च से, तो आप वहाँ पर जाकर क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दें। सुबह 6 बजे आपको मिल जाते हैं करंट अफेयर डेली और शाम को 6 बजे मिलते हैं आपको हिस्ट्री क्लास। बहुत ही जल्दी मैथ और रीजनिंग की क्लास शुरू ना ली, जिसका आपको पता है सबसे ज़्यादा वेटेज है UPSI में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मैत्री सेतु, मैत्री ब्रिज भारत को किस देश से जोड़ता है। देखिए, अभी अभी एक ब्रिज का उद्घाटन किया मोदी जी ने किया, ऑब्वियसली क्योंकि देश की बात चल रही है, एक देश को दूसरे देश से जो जोड़ सके, तो भारत को किस देश से जोड़ता है, तो ऑब्वियसली भारत के अगल बगल के जो पड़ोसी देश होंगे उन्हीं से जोड़ेगा। तो यहाँ पर कई लोग अगर गेस करेंगे तो शायद यहाँ पर गलत हो जाए, क्योंकि आपको लगेगा ऐसा देश जिसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती भारत से शायद वो देश होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर श्रीलंका बिल्कुल भी नहीं है, भूटान भी नहीं है, ना ही बांग्लादेश, ना ही नेपाल है। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अभी भी फेनी नदी पर मैत्री सेतु जो कि दक्षिण साउथ त्रिपुरा, देखिए अगर आप मैप देखेंगे भारत का, तो त्रिपुरा का जो लास्ट पोर्शन नीचे का जो त्रिपुरा है और यहाँ पर बांग्लादेश पड़ता है, यहाँ पर तो इन दोनों के बीच एक नदी पड़ती है, फेनी नदी, ये है। ठीक है, तो ये हो गया त्रिपुरा और ये हो गया बांग्लादेश का एरिया, इन दोनों को जोड़ रहा है, इसका नाम रखा गया है मैत्री सेतु या मैत्री ब्रिज। ये 1.9 किलोमीटर कह सकते हैं, लगभग 2 किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्टली आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है आपको 1.9 किलोमीटर। फेनी नदी भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि किस नदी पर बना है मैत्री सेतु ब्रिज, तो ये फेनी नदी पर बना है। इसको बनाया गया, इसका उद्घाटन हुआ है, ये 2017 में शुरू हुआ था, बनना था इसे 2 साल में, लेकिन कोरोना की वजह से ये थोड़ा लेट हो गया। और इसकी खास बात यह है कि जो बांग्लादेश में जो पोर्ट है चटगांव बंदरगाह, उससे थोड़ा सा हमारी उससे हमारी कनेक्टिविटी को ये इंक्रीज करता है। अच्छा, बांग्लादेश आया है, तो बांग्लादेश से आपको बता दें, अभी अभी हमने आपको कल बताया था कि बांग्लादेश में पहली ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर या न्यूज एंकर बनी है। ठीक है, तो ये दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर है, जो कहां पर बनी, बांग्लादेश में। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। गुड़ महोत्सव, ये जी वही गुड़ है जो आप खाते हैं, इसका गुड़ को प्रोत्साहन देने के लिए, गुड़ की जो प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं गुड़ से, उन सबको प्रोत्साहन देने के लिए अभी अभी ये महोत्सव मनाया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, ये देखिए, ये है गुड़ महोत्सव। देखिए, बहुत सारी चीजें बनती है, जौगरी, जौगरी बोलते हैं गुड़ को, इंग्लिश में बोलते हैं जौगरी, जौगरी चॉकलेट्स, स्वीट्स, कैंडीज, खीर और बहुत सारी चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, और यहाँ पर बहुत वैरायटी आप गुड़ यहाँ पर लाए गए। यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं प्रदर्शनी लगाई गई थी, एक तरह जो फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, डिफरेंट और बहुत महंगे महंगे और सस्ते हर तरह के गुड़ यहाँ पर लाए गए थे, गुड़ को प्रमोट करने के लिए, गुड़ की मार्केट को प्रमोट करने के लिए ये मेला लगाया गया था। ये मेला लगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और ये इस काइंड ऑफ इस तरह का पहला मेला आयोजन है पूरे उत्तर प्रदेश में, या UK की पूरे इंडिया में इस तरह का पहला आयोजन है। और ये वर्क करेगा अंडर द किसके साथ मिलकर, आयुष डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, तो ये भी जरूर याद रखिएगा किस मंत्रालय या किस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये हुआ है, ये आयुष डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हुआ है। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म फॉर द रेंज ऑफ रॉ वैरायटीज ऑफ को प्रोडक्ट ऑफ जौगरी, इसके लिए ये बना है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडियाज बिगेस्ट किडनी डायलिसिस सेंटर कहां पर खुला। देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ी बातें जान लेते हैं। देखिए, किडनी डायलिसिस सेंटर, डायलिसिस क्या होता है, देखिए किडनी आपको पता है हमारे खून को साफ करती है, ब्लड को क्लीन करती है। ठीक है, तो अगर किडनी में कोई गंदा वेस्ट मटेरियल जम गया है या गंदा पानी जम गया है, तो उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है किडनी डायलिसिस। ठीक है, तो अब इसकी दूसरी खास बात बता दें आपको, ये जो किडनी डायलिसिस सेंटर अभी अभी बना है, जो इंडिया का सबसे बड़ा क्लेम किया जा रहा है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये सेंटर बना है अभी अभी न्यू दिल्ली में। आइए थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये है आपका किडनी डायलिसिस सेंटर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है। इसके अंदर 100 बेड लगाए गए, ये अंदर का दृश्य है। ये देखिए, इसमें आपको न्यूज देखिए, नो बिलिंग काउंटर, कोई बिलिंग काउंटर नहीं है, पूरी कंप्लीटली फ्री डायलिसिस है। और ये बनाया किसके द्वारा गया, ये दिल्ली गुरुद्वारा, अगर आप लोग दिल्ली में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में, तो आपको पता होगा वहाँ बंगला साहिब जिसको आप बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा बनवाया गया है, दिल्ली गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा ये मैनेजमेंट होगा, और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा।
किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल या किडनी डायलिसिस सेंटर, ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पर बना? ये देखिए जो हीलिंग सेंटर है फॉरेस्ट हीलिंग, ये इस काइंड ऑफ इंडिया का जो इस तरह का पहला हीलिंग सेंटर है। इसमें होता क्या है, ये जापानीज टेक्निक से पहली बात तो बना है, जापानीज मेथड से बनाया गया। इसमें होता क्या है कि आपको जो नेचुरल चीज है, जैसे पेड़ हो गया, इसमें कि आप पेड़ों को गले लगाइए, आप बिल्कुल लगा सकते हैं वहां पर, घास पर चलिए नंगे पैर, फ्रेश एयर लीजिए, और वो जो स्पेशल वैरायटी आप जो वहां पर पेड़ है जो घास है उनसे आपकी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इवन यहाँ तक कि कैंसर रोग तक का इलाज हो सकेगा। ऐसे पेड़ है वहां पर, अगर आप उनको गले लगाते हैं उनसे कुछ जो तेल निकलते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ जो बायो द्वारा प्रूफ किया गया, इसको आप पढ़िएगा, बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो आपको वहां से मिलेंगे और वो आपको बूस्ट करेंगे, एनर्जी बूस्ट करेंगे, आपके बहुत सारे बीमारियों में हेल्प करेंगे। तो ये इस तरह का पहला हीलिंग सेंटर बना है, ये अभी अभी बना है उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी आपको पता है देहरादून है, ये बहुत बड़े एरिया 13 एकड़ जमीन पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर नैनीताल देहरादून पर बना है, इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ओपन इन कालका नियर रानीखेत, साइन बोर्ड ऑफ आइदर साइड ऑफ इट्स स्लोपी एंट्रेंस एडवाइज विजिटर टू हग ट्रीज, वॉक बेयर फुट ऑन द ग्रास, लाई ऑन देयर बैक, आप लेट सकते हैं वहां पर, गेज ऑन द स्विंग ट्रीज ओ एवर चेंजिंग स्काई एबो द सूर्यदर्शन, ये जो यहाँ का माहौल होगा इससे आपको हीलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, यहाँ तक कि आपके कैंसर रोग में भी ये हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर अगर आप जाइएगा इस बार उत्तराखंड, ये कालका के आसपास, तो आप बिल्कुल जरूर जाइएगा, इसको एक बार जरूर विजिट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इंडिया का पहला कम्युनिटी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन कहाँ पर किया? देखिए ये क्या होता है, ट्रांसजेंडर्स को हेल्पलाइन देने के लिए, कुछ हेल्प करने के लिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी, उनको स्किल देने के लिए अभी अभी एक कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। ये खोला गया अभी अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ये देखिए हैदराबाद पुलिस में ये बना है, हैदराबाद की पुलिस ने इसका उद्घाटन किया, हैदराबाद की पुलिस स्टेशन पर ही ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। देखिए इसका पर्पज देख लेते हैं, ये पहले देख लीजिए, सिकंदराबाद पुलिस हैज बीन लॉन्च इंडिया फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैदराबाद तेलंगाना, तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, हैदराबाद तेलंगाना। इसमें जो पहले दिन पार्टिसिपेट किया 200 ट्रांसजेंडर ने पार्टिसिपेट किया, ये क्या करेगा, प्रोवाइड सपोर्ट, किस किस चीज के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जो भी फाइल वो केस होंगे, किसी भी तरह का केस जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ, आपको पता है अब हमारे देश में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एज ए थर्ड जेंडर अप्रूवल मिल गया है, अब इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं कर सकता, कोई वायलेंस अगर होता है तो वो सारे सपोर्ट मिलेगी इस कम्युनिटी डेस्क के थ्रू, काउंसलिंग होगी, लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी, लाइफ स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड की जाएगी, जॉब प्लेसमेंट भी दी जाएगी, जी हाँ जॉब भी दी जाएगी, और थोड़ी मंथली, हर मंथ क्या होगा, एम्प्लॉयमेंटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जिसका उद्घाटन अभी अभी कहाँ हुआ, हैदराबाद तेलंगाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी अभी इस्तीफा दे दिया? अभी अभी इस्तीफा दिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, उत्तराखंड के अभी तक मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने अभी अभी 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया अपने मुख्यमंत्री पद से। रीजन भी कुछ खास बताया नहीं ऑफिशियल, इन्होंने बस ये कहा है कि बस हमारी पॉलिटिकल जर्नी यहीं तक रही, अभी इसको समाप्त करते हैं और लोगों को, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो अभी अभी जो नए सीएम बने, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नए सीएम जो अभी अभी बने वो बने तीरथ सिंह रावत, ये भी बीजेपी के, ऑब्वियसली बीजेपी के ये थे तो बीजेपी के ये भी बनेंगे, इनकी पार्टी नहीं चेंज हुई, मतलब कोई ऐसा वहां पर दल बदल नहीं हुआ है किसी का, ये नेचुरली इन्होंने इस्तीफा दिया अपनी मर्जी से, और क्योंकि बहुमत की सरकार थी तो वहां पर बहुमत द्वारा तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। अच्छा ये कौन है, ये है सृष्टि गोस्वामी, इन्हें 1 दिन के लिए सीएम बनाया गया था अभी थोड़े दिन पहले, किस दिन बनाया गया था, नेशनल चाइल्ड गर्ल डे दिन बनाया था, नेशनल चाइल्ड गर्ल डे हम जिस दिन मनाते हैं उस दिन बनाया गया था। आपको कमेंट में बताना है नेशनल चाइल्ड गर्ल डे किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, तो इस चीज क्वेश्चन को कमेंट में जरूर अटेंड करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में रेलवे ने कौन सी नई हेल्पलाइन नंबर जारी किया? देखिए अभी अभी इसके पहले रेलवे की बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर होती थी, अभी अभी रेलवे ने एक नई हेल्पलाइन नंबर जारी की है जो कि हर तरह की कंप्लेन या किसी भी चीज के लिए एक सिंगल नंबर होगा। अब आप इस नंबर के थ्रू कोई भी कंप्लेन, इंक्वायरी या किसी भी तरह की बात आप पूछ सकते हैं।
ये नंबर है 139, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, ना केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके जनरल लाइफ लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 139 इसको याद कर लीजिए। इसके द्वारा आप किसी भी तरह की कंप्लेन, जैसे अभी तक बात की जाए, अगर आपको इंक्वायरी चाहिए होती तो आपको 1811 पर कॉल करना होता था, आपको कोई कंप्लेन करनी होती तो 138 पर कॉल करते थे, अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई दुर्घटना हो जाती तो आप 1072 पर कॉल करते थे। लेकिन 139 ऐसा है, आप किसी ना कि ये तीन चीजें बल्कि सभी चीजें, इंक्वायरी हो गया, कंप्लेन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी भी चीज की आपको बात करनी हो, आप 139 डायल पर कर सकते हैं। तो ये देखिए 139, इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, रेलवे सिक्योरिटी की बात करनी है, पीएनआर स्टेटस जानना है, रनिंग स्टेटस जानना है गाड़ी का, उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं, केटरिंग कंप्लेन करनी है, आपको खाने से रिलेटेड कंप्लेन करनी है, एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, विजिलेंस एंड एंटी करप्शन की बारे में, अगर आप कोई करप्शन कर रहा है, टीसी कर रहा है या कुछ भी आपको लगता है ऐसा हो रहा है तो आप 139 पर डायल कर सकते हैं, किसी भी तरह की कंप्लेन कर सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी 139 पर कॉल कर सकते हैं, क्लीनिंग के लिए भी 139 पर ही कंप्लेन या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 139 नंबर एक सिंगल नंबर बनाया गया, इंटीग्रेशन ऑफ रेलवे हेल्पलाइन नंबर इनटू अ सिंगल नंबर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम बट योर फॉर योर जनरल लाइफ, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना मेमोरी बूस्टर सेशन जो कि 2 मिनट का होगा, आपको पता है। इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट क्लास में जो हमने आपको करंट अफेयर पढ़ाए उनका 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं, इससे आपकी मेमोरी बूस्ट होगी और आपको बार बार वो 15 से 20 मिनट का वीडियो आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। तो ये हमारा लास्ट क्लास का थंबनेल, प्लेलिस्ट पर जाएगा, ये थंबनेल देखिएगा, वहां पर देखिएगा 10 एंड 11 मार्च लिखा होगा, उसको खोलिएगा, करीब 15 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें आपको लास्ट क्लास के क्वेश्चन मिलेंगे डिटेल में और साथ ही साथ मेमोरी बूस्टर सेशन मिलेगा, जिससे कि आपको पिछले क्लास के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं 10 और 11 मार्च के करंट अफेयर बिल्कुल 2 मिनट में, इसमें कोई डिटेल नहीं बताएंगे आपको, सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, वर्ल्ड बुक फेयर विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया। तो देखिए ये उद्घाटन किया था अपने शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, और इसमें हमने आपको बताया था इनकी बेटी ने अभी अभी बॉलीवुड ज्वाइन कर लिया है, बाकी डिटेल के लिए आप लास्ट क्लास देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था, इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर कहाँ पर शुरू किया गया, पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर जिसके द्वारा आपको स्किल प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि आपकी ज्यादा से ज्यादा जॉब लग सके, ये बना है अभी अभी भुवनेश्वर में, जी हाँ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, और इसका उद्घाटन किया था उड़ीसा के सीएम ने, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, उड़ीसा के सीएम किसने, नवीन पटनायक जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन था हमारा, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम से 100 इंटरनेशनल ओडीआई वनडे क्रिकेट खेलने वाली 5वीं खिलाड़ी कौन बनी। तो देखिए इससे पहले 4 खिलाड़ी जो थी वो थी मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, झूलन गोस्वामी और अमिता शर्मा, इसके पहले केवल वुमेन क्रिकेट में 4 लोगों ने 100 वनडे खेले थे और 5वीं बनी अभी अभी हरमनप्रीत कौर। चलिए अगला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% लोकल भर्ती का बिल पास किया। देखिए इस राज्य में क्या किया गया है, 75% लोकल सी प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, बाहरी नहीं जा पाएंगे। तो ये इसके पहले किया गया था आंध्र प्रदेश में, और इसी के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने ये बिल अपने राज्य में पास कर दिया है और ये बन गया है अब वहां का लॉ, ठीक है। बाकी डिटेल जानकारी के लिए आप हमारी लास्ट क्लास देख सकते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन था, विश्व की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर किस देश में बनी। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी आपको बताया भी थोड़ी देर पहले, बांग्लादेश में पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर या न्यूज रीडर बनी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जीआई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ। जीआई महोत्सव का आयोजन हुआ मसूरी पे, और मसूरी में भी खास बात कर ली जाए तो आप लोगों के यूपीएससी के ड्रीम शहर, यूपीएससी का ड्रीम प्लेस LBSNAA, यहाँ पर हुआ जीआई महोत्सव का उद्घाटन। तो ये थे, अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है, फर्स्ट एवर व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ। व्हाइट वाटर राफ्टिंग की बात करी जाए तो कल हमने आपको बताया था चेनाब रिवर पर हुआ व्हाइट वाटर राफ्टिंग, और चेनाब रिवर कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल बहुत सारे लोग 1500 लोगों ने करीब पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह का ये पहला इवेंट है जो कि एडवेंचरस इवेंट है और एज अ फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया गया। तो ये थे हमारे लास्ट क्लास के क्वेश्चन और आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और मेमोरी बूस्टर सेशन देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दें, यूपीएसआई का टारगेटेड बैच हमारे चैनल पर शुरू हो गया है, वहां पर आपको सुबह 6 AM पर मिल जाते हैं करंट अफेयर और शाम को 6 बजे मिल जाते हैं हिस्ट्री की क्लास, और बाकी सारी क्लास बहुत जल्दी शुरू होंगी, मैथ और रीजनिंग की क्लास भी शुरू होने वाली है। तो अभी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।